एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो आज का टॉपिक है हमारे डीटेन और ब्लीच में फ़र्क क्या होता है और हमारे स्किन पे ये काम कैसे करता है, बट कितने एज से ये डीटेन या ब्लीच को स्टार्ट करनी चाहिए फेस के ऊपर। सो वीडियो को पूरा वॉच करें, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सो अभी तो मैं अपने फेस के ऊपर 2-3 ड्रॉप क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी है, जो भी मेरे फेस पे डस्ट वगैरह, वो सारे इससे रिमूव हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से फेस सॉफ्ट दिखने वाला है। क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी करने वाली हूँ बॉडी केयर कंपनी का स्क्रब। सो ये स्क्रब थोड़े से दानेदार होते हैं, सो इसके लिए मैं क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई की हूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से फेस के ऊपर स्क्रब काम करे। तो ये है एप्रिकोट फेसियल स्क्रब। सो एप्रिकोट का स्क्रब मैं पहली बार ही अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। सो इससे आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। सो मेरा क्लिंजिंग मिल का टाइम हो चुका था, सो इसे मैं अपने फेस से रिमूव कर रही हूँ। ये बहुत ही स्किन सॉफ्ट कर दिया है इससे। अब मैं लगाऊँगी अपने फेस के ऊपर एप्रिकोट फेसियल स्क्रब है ये बहुत ही अच्छे तरीके से फेस पे काम करता है, क्योंकि जो भी सन टैन आपके फेस पे, गर्दन पे है, डेड स्किन सेल जो आ गए हैं, उसको ये रिमूव करने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से फेस की जो लॉक पोर्स है वो भी ओपन करेगा। सो मैं इसके बाद लेने वाली हूँ अपने फेस के ऊपर हॉट स्टीम। सो 3-4 मिनट के लिए मैं अपने फेस पे इसे रफ़ करूँगी और उसके बाद मैं इसे भी रिमूव करने के बाद अपने फेस पे लेने वाली हूँ हॉट स्टीम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। सो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है उसमें, बट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि ये स्क्रब आपको फेस पे 15 डे में एक बार ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है वो सन टैन से ही होती है, और जो भी टैनिंग आपके फेस पे है, गंदगी जो भी है, वो लॉक कर देता है आपके ओपन पोर्स को, उसी के से प्रॉब्लम होती है और उसी से फेस लॉक हो जाता है। सो जब हमारे फेस लॉक होते हैं तो पिंपल, फोड़े, फुंसी निकलने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इसलिए स्क्रब करना बहुत ही ज़रूरी है। फेस को एक टोन लाइट भी करता है, बहुत अच्छे तरीके से ये फेस पे काम करता है। जो भी हमारे फेस पे डस्ट जमे रहते हैं उसे भी ये रिमूव करता है। मेरा स्क्रब का टाइम पूरा हो चुका है, सो इसे मैं अपने फेस से रिमूव करने वाली हूँ। सो इस तरह से मैं इसे अपने फेस से साफ़ कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि खुद से अपने खुद के ऊपर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी आई हमेशा खुली रहती है, तो बहुत ही लगता है कि मेरी आई के अंदर ना चली जाए। सो बहुत ही सावधानी से करना होता है। सो अब मैं इस को रिमूव करने के बाद अपने फेस के ऊपर अच्छे से गुलाबरी का स्प्रे ले लेने के बाद ही अपने फेस के ऊपर हॉट स्टीम लेने वाली हूँ, क्योंकि ये हॉट स्टीम लेने से फेस की जो सारी गंदगी होती है उभर कर आती है, और ये जो मैं इसके पहले स्क्रब जो रफ कर रही थी अपने फेस के ऊपर, वो और ये दोनों मिक्स करने होकर ये फेस का जो भी लॉक पोर्स है उसे ओपन करेगा। सो मैं इस तरह से अपने फेस के ऊपर हॉट स्टीम ले रही हूँ। काफ़ी ये प्रॉब्लम होता है खुद से लेने में, क्योंकि हॉट स्टीम ही लेनी चाहिए अपने फेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से। सो मैं 2-3 सेकेंड के लिए ली थी
हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं इसे हटा दी और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाने के बाद अपने फेस पे करूँगी डिटेन। सो मैं ब्लीच अपने फेस के ऊपर नहीं करती हूँ, सो मैं डिटेन ही जब हमारे फेस के ऊपर ऐसा लगता है कि मेरे फेस क्लीन नहीं दिख रहे हैं और इसे क्लीन करना चाहिए तो मैं डिटेन ही करती हूँ, बट स्क्रब ही करती हूँ, फेसियल कर लेती हूँ, बट अपने फेस के ऊपर कभी ब्लीच नहीं करती हूँ। सो ये रहा मेरा डिटेन। सो मैं इसको जिस तरह से पतली पतली लेयर पैक की हम अप्लाई करते हैं उसी तरह से फेस के ऊपर इसे हम अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से ये हो भी रहा है और बहुत पूरे फेस पे मैं इसे पतली पतली लेयर में अप्लाई कर रही हूँ। सो इसे मैं अप्लाई करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए फेस के ऊपर ही ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद ही अपने फेस को गुलाबरी से स्प्रे करने के बाद इसे रफ करेंगे। सो इसका कुछ टाइमिंग पूरा हो चुका है, अब मैं इसे अपने फेस से रिमूव करने वाली हूँ। सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव भी हो जाता है, इसमें कोई भी दाने नहीं होते हैं और इजली ये मसाज क्रीम की तरह ही होता है। सो इसे भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेस से रिमूव कर ली हूँ और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है गाइज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।